तो विधायक जी ने कहा जो अच्छी किट का आपको चाहिए उसका बायोडाटा दे दे, बिटिया ने वो दे दिया है, वो इनके पास जल्दी मंगा करके इनको पहुँचा दी। सबसे पहले बेटी को आशीर्वाद दिया है और उसको प्रोत्साहन भी दिया है, कहा कि बेटी आगे और बताए और वहाँ जीत के आए और आगे और भी ज़्यादा करेंगे। जो चाहिएगा वो तेरे को मिलेगा किसी भी तरह, मतलब जो भी और भी बच्चा औरों के लिए भी उदाहरण बनाने के लिए सुमिता से ये आग्रह है, अगर बेटे औरों को प्रोत्साहित करो, अगर मैंने किया तो मेरे को कुछ मिला। महिला खिलाड़ी सुनीता कश्यप के मकान के लिए विधायक बलराज कुंडू ने भेजी 5 लाख की सहायता राशि। विधायक के बड़े भाई आजाद सिंह कुंडू ने सीसर गांव पहुंचकर कश्यप परिवार को सौंपी धनराशि। मकान के लिए मिली 5 लाख की सहायता के लिए खिलाड़ी सुनीता के माता पिता ने विधायक बलराज कुंडू को कहा शुक्रिया। विधायक बलराज कुंडू के बड़े भाई आजाद सिंह कुंडू आज गांव सीसर खास पहुंचे और विधायक की घोषणा के अनुसार महिला खिलाड़ी सुनीता कश्यप को मकान निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की नगद आर्थिक सहायता राशि भेंट करते हुए बेटी सुनीता को आशीर्वाद दिया। उन्होंने सुनीता से वेटलिफ्टिंग की किट के बारे में भी जानकारी ली और कहा कि बेटी सुनीता ने जिस किट की जरूरत बताई है वह उसे जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी तथा विधायक बलराज कुंडू की घोषणा के अनुसार वेटलिफ्टिंग की तैयारियों के लिए सुनीता को प्रति माह 10,000 रुपए की डाइट मनी भी अलग से दी जाएगी जो उसे प्रति माह मिलती रहेगी। आजाद सिंह कुंडू और उनके साथ सीसर गांव पहुंचे जनसेवक परिवार सदस्यों ने सुनीता कश्यप का हौसला बढ़ाया। प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख रुपए जो इनकी घर की दशा सुधारने के लिए, वो आज भाई आजाद सिंह कुंडू हमारे विधायक भाई बलराज कुंडू के बड़े भाई ने आकर के अपनी बिटिया को आशीर्वाद से दे दिए हैं। और जो किट मंगवानी थी तो विधायक जी ने कहा जो अच्छी किट आपको चाहिए उसका बायोडाटा दे दे, बिटिया ने वो दे दिया है, वो इनके पास जल्दी मंगा करके इनको पहुंचा दिया जाएगा। वो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता आज बिटिया की प्रैक्टिस में कोई व्यवधान आए देरी, तो वो तुरंत इनको उपलब्ध करा दी जाएगी। 10,000 रुपये महीने का संकल्प वो लेके गई है, बेटी को कह दिया अग बिटिया तो अपनी खुराक शुरू कर दे, चिंता मत कर, जो चाहिएगा वो तेरे को मिलेगा किसी भी तरह, मतलब जो भी और भी बच्चा औरों के लिए भी उदाहरण बनाने के लिए सुनीता से ये आग्रह है, अग बेटे औरों को प्रोत्साहित करो, अग मैंने किया तो मेरे को कुछ मिला। ग्रामीणों ने भी फूल मालाओं से बेटी सुनीता को सम्मानित किया और आजाद सिंह कुंडू ने सुनीता की माता जी और पिता ईश्वर सिंह कश्यप को मिठाई खिलाते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। कश्यप परिवार ने मकान निर्माण के लिए विधायक बलराज कुंडू द्वारा दी गई 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद के लिए आभार जताया और कहा कि विधायक द्वारा मदद की पहल करने से और भी काफी लोग उनकी सहायता के लिए आगे आए हैं। पंचायत से प्लॉट मिलने पर अब इस पैसे से वे अपना मकान बनाने में समर्थ हैं, जिसके लिए वे कुंडू परिवार के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। बता दें कि सोशल मीडिया पर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की खिलाड़ी सुनीता कश्यप की खराब आर्थिक हालत के बारे में जानकारी मिलने पर महम विधायक बलराज कुंडू हाल ही में सुनीता के घर पहुंचे थे और मकान निर्माण के लिए अपने निजी कोष से 5 लाख रुपए एवं करीब 3.5 लाख रुपए की वेटलिफ्टिंग किट सहित सुनीता को 10,000 रुपए अलग से डाइट मनी के तौर पर प्रतिमाह देने की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक ही आज उनके बड़े भाई आजाद सिंह कुंडू आर्थिक मदद लेकर कश्यप परिवार के सीसर गांव पहुंचे थे। खिलाड़ी सुनीता को 5 लाख रुपए की जो सहायता दी है उसको लेकर आप खिलाड़ी को और प्रदेश के अन्य जो खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बेटी को आशीर्वाद दिया है और उसको प्रोत्साहन भी दिया है, कहा कि बेटी आगे ओलंपिक में जाए और वहाँ जीत के आए और आगे और भी ज़्यादा करेंगे। जो भी उभरता हुआ खिलाड़ी हमें नज़र आता है या पता लगता है हम उसको मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं और पहुँचते ही रहेंगे, हमारा जो दायित्व है वो पूरा करते रहेंगे। विधायक की तरफ से क्या क्या आश्वासन दिया गया था और आज कितना पूरा कर दिया आपने? विधायक जी ने जो पैसे 5 लाख देने थे वो दे दिए हैं, किट के बारे में जो विवरण मांगा था वो मैं अपना दे दिया है, उसके हिसाब से उसको हम प्रोवाइड करते हैं। डाइट की भी डाइट की भी 10,000 रुपये महीना उसको बच्ची को देने के लिए कहा है और कोई ऐसी बात जरूरत होगी वो और भी करेंगे। ये सीसर गांव की लड़की है, अपने हल्के की लड़की है, इस तरह की लड़कियां और भी आई तो विधायक की तरफ से आप कितना आश्वासन मानते हैं? जो भी लड़की आगे आएगी, जो भी लड़की आगे आएगी, गरीब हो चाहे अमीर कोई हो, हमारी नज़र में सब बराबर, गरीब का बच्चा है उसको और अच्छी मदद मिलेगी। मदद इसलिए क्योंकि गरीबी से उठ कर आया, उसको मदद की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा अहमियत होती है। लेकिन अगर अमीर का बच्चा भी ऊपर आता है तो उसकी मदद करेंगे।
परिवार की स्थिति है उस लोगों ने देखा और एक बहुत ही मदद के लिए लोग आगे आए हैं। तो अब तक कितनी मदद हुई, किस किसने की है, और आज बलराज कुंडू ने नगद पैसे 5 लाख रुपए दिए हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जैसे मेरी मदद कर रहे हैं ऐसे और भी बेटियाँ हैं, और भी बहनें हैं, उनकी भी ऐसे ही मदद करें। जैसे आपकी मदद की है तो आज बलराज कुंडू विधायक हैं मैम चौबीसी से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कितनी मदद का वायदा किया था और आज उन्होंने मदद पहुंचाई है? उन्होंने जो मदद का वायदा किया था और सर ने मेरी मदद उसी हिसाब से पूरी की है, जो जो उन्होंने बोला था मेरे को वो सब प्रोवाइड करवाया मेरे को। तो अब तक टोटल कितनी मदद हो चुकी है? सर अभी तक तो कंफर्म नहीं है लेकिन मदद हो रही है। तो जिस तरह से एक खिलाड़ी की मदद समाज आगे आके पूरा देश कर रहे हैं, आप क्या एक आश्वासन देना चाहेंगे युवाओं को, खासकर लड़कियों को, किस तरह से आगे बढ़े? सर मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो अपना हौसला न छोड़ें, क्योंकि एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से कामयाबी जरूर मिलती है। आप एक स्ट्रेंथ खिलाड़ी रही है जिसको हरियाणा सरकार के जो एमएलए यहाँ पर आए थे कश्यप जी, उन्होंने बताया था कि इसको मान्यता नहीं है, लेकिन क्या आप अपना गेम चेंज करेंगे? सर गेम तो मैंने ऑलरेडी चेंज करा हुआ है, क्योंकि मेरा गेम कन्वर्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं वेट लिफ्टिंग भी करती हूँ, बाकी खेली नहीं हूँ लेकिन वेट करती हूँ मैं, और स्ट्रेंथ भी साथ के साथ कंटिन्यू है। इसके आगे आपका क्या टारगेट है? 2024 ओलंपिक। सुनीता जी, इस ढंग से आपको मदद मिल रही चारों तरफ से, क्या उम्मीद थी कि एकदम से इतना सारा सब कुछ देश खड़ा हो जाएगा? विधायक ने 5 लाख की मदद की, आपकी डाइट की व्यवस्था की है, किट की कह रहे हैं, बाकी चारों तरफ से मदद मिली है, तो क्या उम्मीद करें? सर उम्मीद तो यही है कि मैं भी जो गोल बना के चली हूँ उस पे मैं खरी उतरूँ। कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियाँ भी बड़ी महसूस हो रही होंगी आपको? लोगों की जिम्मेदारियाँ जो पहले मेरी जिम्मेदारी थी उससे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ी मेरी, और मैं अपनी जिम्मेदारियों पे खरा उतरने की बहुत कोशिश करूंगी। जिस प्रकार से आपकी सहायता करी गई है चारों तरफ से, पूरे हरियाणा से या बाहर से भी, जो आदमी छोटे छोटे बच्चे अपना गुल्लक तोड़ के आपको देने के लिए पहुंच रहे हैं, उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? उससे सर मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब कोई लड़की किसी आर्थिक स्थिति से गुजर रही है और वो इतनी मेहनत कर रही है और एकदम से कोई ऐसे आता है तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा करता है। चलो, हमारी भी आपके साथ शुभकामनाएं हैं।